आइए अभ्यास करते हैं। सो आज का फर्स्ट वर्ड है घोषणा पत्र। घोषणा पत्र को हम इंग्लिश में कहते हैं मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो मतलब घोषणा पत्र। नेक्स्ट वर्ड है गठबंधन। गठबंधन को हम इंग्लिश में कहेंगे अलायंस। अलायंस मतलब गठबंधन। नेक्स्ट है महागठबंधन। महागठबंधन को हम इंग्लिश में कहेंगे ग्रैंड अलायंस। ग्रैंड अलायंस मतलब महागठबंधन। नेक्स्ट है नारा। नारा को हम इंग्लिश में कहेंगे स्लोगन। स्लोगन मतलब नारा। नेक्स्ट है चुनाव। चुनाव को हम इंग्लिश में कहते हैं इलेक्शन। इलेक्शन मतलब चुनाव। नेक्स्ट है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग को हम इंग्लिश में कहेंगे इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन मतलब चुनाव आयोग। चुनाव अभियान। चुनाव अभियान को हम इंग्लिश में कहेंगे इलेक्शन कैंपेन। चुनाव चिन्ह। चुनाव चिन्ह को हम इंग्लिश में कहेंगे इलेक्शन सिंबल। इलेक्शन सिंबल मतलब चुनाव चिन्ह। नेक्स्ट है राजनीति। राजनीति को हम इंग्लिश में कहेंगे पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स मतलब राजनीति। राजनीतिक को हम इंग्लिश में कहेंगे पॉलिटिकल। पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक। नेक्स्ट है राजनीतिक दल। राजनीतिक दल को हम इंग्लिश में कहेंगे पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी मतलब राजनीतिक दल। नेक्स्ट है राजनेता। राजनेता को हम इंग्लिश में कहते हैं पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन मतलब राजनेता। नेक्स्ट है वाद विवाद या बहस, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे डिबेट। नेक्स्ट है प्रचार। प्रचार को हम इंग्लिश में कहेंगे प्रोपेगेंडा। नेक्स्ट है मतदान। मतदान को हम इंग्लिश में कहेंगे वोट। मतदाता को हम इंग्लिश में कहेंगे वोटर। वोट डालने को हम इंग्लिश में कहेंगे कास्ट वंस वोट। ऐसे इसका ये एक एग्जांपल है, मैंने अपना वोट डाला, तो आप इसकी इंग्लिश ऐसे बनाएंगे आई कास्टेड माई वोट। आई कास्टेड माई वोट। नेक्स्ट है मताधिकार। मताधिकार को हम इंग्लिश में कहेंगे फ्रेंचाइज। फ्रेंचाइज मतलब मताधिकार। नेक्स्ट है मतदान केंद्र। मतदान केंद्र को हम इंग्लिश में कहेंगे पोलिंग स्टेशन, या फिर आप पोलिंग प्लेस भी बोल सकते हैं, दोनों का मतलब होता है मतदान केंद्र। नेक्स्ट है मतदान कक्ष। मतदान कक्ष को हम इंग्लिश में कहेंगे पोलिंग बूथ। पोलिंग बूथ मतलब मतदान कक्ष। नेक्स्ट है मतपत्र। मतपत्र को हम इंग्लिश में कहेंगे बैलेट। नेक्स्ट है डाक द्वारा मत। डाक द्वारा मत को हम इंग्लिश में कहेंगे पोस्टल वोट। नेक्स्ट है मशीन। इस मशीन को हम इंग्लिश में कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसे आप शॉर्ट में EVM भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है प्रवक्ता। प्रवक्ता को हम इंग्लिश में कहते हैं स्पोक्स पर्सन। नेक्स्ट है उपचुनाव। उपचुनाव को हम इंग्लिश में कहते हैं बाई इलेक्शन। नेक्स्ट है आम चुनाव। आम चुनाव को हम इंग्लिश में कहते हैं जनरल इलेक्शन। नेक्स्ट है संसद। संसद को हम इंग्लिश में कहते हैं पार्लियामेंट। सांसद को हम इंग्लिश में कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, शॉर्ट में आप इसे MP भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है विधायक। विधायक को हम इंग्लिश में कहेंगे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, शॉर्ट में आप इसे MLA भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है विधानसभा। विधानसभा को हम इंग्लिश में कहेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली। नेक्स्ट है निर्वाचन क्षेत्र या चुनाव क्षेत्र, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे कॉन्स्टिट्यूएंसी। नेक्स्ट है पार्षद। पार्षद को हम इंग्लिश में कहेंगे काउंसलर। नेक्स्ट है महापौर। महापौर को हम इंग्लिश में कहेंगे मेयर। नेक्स्ट है रैली। रैली को हम इंग्लिश में रैली ही बोलते हैं। नेक्स्ट है विपक्षी दल। विपक्षी दल को हम इंग्लिश में कहेंगे अपोजिशन पार्टी। नेक्स्ट है भाषण देना। भाषण देने को हम इंग्लिश में कहेंगे एड्रेस। एड्रेस मतलब भाषण देना। नेक्स्ट है आचार संहिता। आचार संहिता को हम इंग्लिश में कहेंगे कोड ऑफ कंडक्ट। नेक्स्ट है मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल को हम इंग्लिश में कहेंगे कैबिनेट। नेक्स्ट है फेरबदल करना। फेरबदल करने को हम इंग्लिश में कहेंगे रिशफल। रिशफल मतलब फेरबदल करना। नेक्स्ट है बहुमत। बहुमत को हम इंग्लिश में कहेंगे मेजोरिटी। नेक्स्ट है पूर्ण बहुमत। पूर्ण बहुमत को हम इंग्लिश में कहेंगे एब्सोल्यूट मेजोरिटी। नेक्स्ट है शपथ लेना। शपथ लेने को हम इंग्लिश में कहेंगे टेक एन ओथ। जैसे इसका ये एक एग्जाम्पल है, उन्होंने शपथ ली, तो आप इसकी इंग्लिश ऐसे बनाएंगे ही टुक एन ओथ। ही टुक एन ओथ। नेक्स्ट है छेड़छाड़। छेड़छाड़ को हम इंग्लिश में कहेंगे टैम्परिंग। नेक्स्ट है सत्ता से हटाना। सत्ता से हटाने को हम इंग्लिश में कहेंगे टॉपल। नेक्स्ट है निर्गम मत अनुमान।
इसे हम इंग्लिश में कहेंगे एग्जिट पोल। नेक्स्ट है जनमत सर्वेक्षण। जनमत सर्वेक्षण को हम इंग्लिश में कहेंगे ओपिनियन पोल। नेक्स्ट है कूटनीति। कूटनीति को हम इंग्लिश में कहेंगे डिप्लोमेसी। इन द लास्ट वन इज रणनीति। रणनीति को हम इंग्लिश में कहेंगे स्ट्रेटेजी। सो दैट्स इट टुडेज वीडियो। हमें कमेंट सेक्शन में इन दोनों के आंसर लिखकर बताइए और ये वीडियो आपको कैसा लगा अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।